दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले रोजगार सहायकों को लेकर है। चुनाव आते ही इन रोजगार सहायकों के लिए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहां पर इनका जो वेतन मानदेय इनको मिलता है 9000 मिलता है और उसको बढ़ा करके 15000 करने को लेकर एक बड़ा अपडेट है आज राजधानी भोपाल पर। पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों का महासम्मेलन है और इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण ऐलान किए जाएंगे, तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लगातार चुनाव को देखते हुए अलग अलग जो अस्थायी कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको अलग अलग बुला के महासम्मेलन किया जा रहा है और उनके लिए बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। चलिए कंप्लीट यहां पर आपको दिखा पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के 20000 रोजगार सहायकों के लिए। रोजगार सहायक आज राजधानी भोपाल में जुटेंगे, वहीं सीएम कर सकते हैं 3 बड़ी घोषणाएं। और यहां पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम को रोजगार सहायकों का एक बड़ा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में प्रदेश भर के समस्त रोजगार सहायक यहाँ पर शामिल होंगे। इनके लिए बड़ी खुशखबरी है, वेतन को इनका बढ़ा के यहाँ पर 15000 रुपये वेतन यहाँ पर इनको करने को लेकर अपडेट है और साथ ही और भी मांगे हैं। पूरा अपडेट आपको बताएंगे, राजधानी भोपाल से है। चुनावी साल के मद्देनजर कर्मचारियों को सौगात देने का सिलसिला जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब प्रदेश के रोजगार सहायकों का बड़ा सम्मेलन बुधवार को राजधानी भोपाल में संपन्न होने जा रहा है। इसमें प्रदेश भर से आने वाले 20000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम शाम के 4 बजे से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसमें वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो सीएम इस दौरान रोजगार सहायकों की 3 बड़ी मांगों को लेकर घोषणा कर सकते हैं। ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोशन लाल परमार ने बताया है कि मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगे हमारी बरसों से लंबित है, जिसको लेकर इन्होंने एक बार मुलाकात भी की थी। वहीं यहां पर बता दें इनकी जो मांगे हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मांगे जो 3 यहाँ पर ऐलान हो सकता है। यहाँ पर अभी इनको रोजगार सहायकों के लिए यहाँ पर 9000 रुपये मासिक वेतन यहाँ पर इनको दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मानदेय और वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो मानदेय इनको 9000 रुपये दिया जाता है और 9000 से बढ़ाकर अब इनका मानदेय 15000 किया जा सकता है, जो कि एक अच्छा खासा मानदेय रहेगा। वहीं इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जा सकती है या ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं और बर्खास्तगी की जगह निलंबन का प्रावधान किया जा सकता है। यानी अभी अगर कोई यहां पर अनियमितता पाई जाती है तो रोजगार सहायकों को सीधे ही सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो अब वहां पर ये निलंबन जिस प्रकार से जो नियमित कर्मचारी होते हैं उसकी तरह निलंबन की कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। ये 3 बड़ी जो बातें हैं यहाँ पर इनके लिए मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं। वहीं इनके जिम्मे क्या क्या काम है, प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में 2009 से यहाँ पर देख सकते हैं 20400 रोजगार सहायक हैं और इनके पास समग्र आईडी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और नरेगा के निर्माण कार्यों के सुपरविजन सहित अनेक काम यहाँ पर इनके द्वारा इनके माध्यम से कराए जाते हैं और यह इन कामों को करते हैं। तो इसी तरह मध्य प्रदेश में अब एक एक करके जो इस तरह के कर्मचारी हैं उनको लाभ मिल रहा है। वहीं अभी ऐसे लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं कई विभागों में, शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक हैं और भी अन्य आउटसोर्स डेली वेजेस कर्मचारी हैं जो सीएम की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उम्मीद है उनको भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक बड़ी खबर के साथ।